और रायपुर के रहने वाले डॉक्टर आदित्य महज 10 साल के हैं, चौथी की परीक्षा दी है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ वो भी हैं जो हैं वो जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। सबसे छोटे पीएचडी धारक, पर्यावरण मित्र, योगा वॉलंटियर, जूडो गोल्ड मेडलिस्ट, स्वामी पर्यावरण नेशनल अवार्ड, इंडियन आइकन अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, आईएसओ एंड्राइड अवार्ड, यंग अचीवर्स 2022, लिटिल चैंप आइकन, छत्तीसगढ़ अचीवर्स अवार्ड, यानी इसे ही कहते हैं अद्भुत अकल्पनीय आदित्य। ये उपलब्धियां दसियों बसंत देख चुके किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि 10 साल के चौथी क्लास के आदित्य राजे सिंह की है। इतना जानने के बाद हो सकता है कि माथे पर बल ना पड़े, बल्कि माथे के बल खड़े होना पड़े। कखरे की उम्र से निकलकर 2 वंजा 2 से जूझते हुए, गणित के मायाजाल से निपटते हुए आगे बढ़ने की उम्र में आदित्य, डॉक्टर आदित्य हो गए हैं। दावा यह भी कि रायपुर डीपीएस के छात्र आदित्य दुनिया में सबसे कम उम्र के पीएचडी धारक हैं। पर्यावरण और योग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए ने 25 फरवरी 2024 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में उन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी। पिता उपलब्धियां गिनवाते नहीं सकते, हो भी क्यों ना, पिता अखिलेश सिंह और माता नम्रता सिंह की पहचान अब आदित्य के नाम से होती है। इसे पर्यावरण और योग के क्षेत्र में मिला था, जो कि सबसे कम उम्र का था। इसके बाद के जो डॉक्टर थे जिनको मिला था वो उस सभा में, वो सीधा मतलब लगभग 40 साल का गैप था। मतलब ये 5 साल, ये लगभग 8 साल का था, 8.5 साल का। और इसके बाद जो लोग 4 लोग पाए थे उसमें न्यूनतम जो उम्र थी वो 50 वर्ष की थी। तो वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई राष्ट्रीय लेवल स्तर पे। फिर इसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी एपीजे अब्दुल कलाम में एसएफडी की तरफ से इसे प्रोत्साहित किया गया, सम्मान दिया गया। अभ्यास से और इसके लगन से ये हम लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज हम लोग आदित्य राजे सिंह के नाम से पहचाने जा रहे हैं। किसी भी माँ बाप के लिए ये सबसे बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। छोटे से आदित्य में न सिर्फ अपार ऊर्जा नजर आती है, बल्कि उनका विजन भी उतना ही साफ है। आर्मी के लिए बहुत खास करना चाहते हैं। मैं जहाँ पे भी बर्थडेज, एनिवर्सरीज, जितने भी स्पेशल ओकेशंस में जाता हूँ, मैं गिफ्ट देने की जगह लोगों को पेड़ पौधे देता हूँ और उन्हें भी बोलता हूँ। तो ये मेरे अकेले करने से नहीं होगा, हम सभी को साथ मिलकर करना पड़ेगा। जी, मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाऊँगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेयर होंगे जो मिलिट्री पर्सन्स को 40-50 गोलियों से बचा सकें, तो उससे उनकी कम से कम डेथ हो। होनहार बिरवान के हो चीखने पार, इसे समझने के लिए आप आदित्य की जर्नी देखिए। हैरानी इसलिए भी होती है कि उनकी हर उपलब्धि अलग अलग और एक हद तक एकदम विरोधाभासी फील्ड में है। एक तरफ पर्यावरण मित्र, लिटिल योग चैंपियन, तो वहीं जूडो खिलाड़ी और इससे भी इतर सर्टिफाइड iOS और एंड्रॉइड ऐप डेवलपर। सीखने की उम्र में आदित्य संबोधन देने जाते हैं और संबोधित करने वाला आदित्य धारा प्रवाह सुंदरकांड का पाठ करता है। अपनी उम्र के बच्चों से कहता है, जन्मदिन पर नाचने गाने से अच्छा है सुंदर कांड का पाठ। और तो और, वो अपना जन्मदिन दिव्यांगों और वृद्धाश्रम में जाकर मनाते हैं। यकीनन आदित्य की कामयाबी काबिले तारीफ है, लेकिन उससे ज्यादा सराहनीय है वो बुनियाद जो पिता अखिलेश और मां नम्रता ने संस्कार से सींची है। हम भी आदित्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर।